हरी ओम फ्रेंड्स, मैं आपका हरी ओम मीटिंग चैनल में फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस राधा रानी की जो मैंने आपको ड्रेस लास्ट वीडियो में बनानी बताई है उसके साथ की कृष्णा जी की पैंट बनाएंगे और कमर काशनी बनाएंगे और दुपट्टा बनाएंगे। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस ड्रेस का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कृष्णा जी की ड्रेस बनाते हैं। तो कृष्णा जी की हमने सबसे पहले आपको पटका ही बनाना बताते हैं। तो पटका बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीस को कट कर लिया है। कॉटन, हमारी कॉटन की ड्रेस है, गर्मियों के लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। तो चलिए इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच इस तरह की लंबाई ले ली है, ठीक है। और यहाँ से हमने चौड़ाई ले लेनी है 4 इंच, और इसकी मैंने कटिंग कर रखी है, बट आपको बता देती हूँ मैं किस तरह से कटिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमने फिर एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम एक तिरछा कट लगाएंगे और फिर हम यहाँ से एक इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे। तो ये हमारे गोपाल जी के दुपट्टे के पटके की कटिंग हो जाएगी। अब इतना ही साइज हमने यहाँ पर लाइनिंग का ले लेना है, इसको भी हमने इस तरह से उल्टा रख लेना है और इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय हमने यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाली जगह है इसको हमने खुला रखना है, बाकी सब कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए इसी शेप में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए मैं सिलाई लगा कर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने सिलाई आपको दिख रही होगी। अब मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लगाई हुई है। तो इस तरह से लगाने के बाद अब हम यहाँ पर साइडों में जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। चारों तरफ से इस तरह से कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कटिंग कर दी चारों तरफ से, और अब हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से भी कर लेंगे, दोनों साइड से सीधा करते हुए इनके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको आपको सीधा करके अब दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। और इसके कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब ये जो हमारी साइड वाली जगह है ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएगी, इस फोल्ड वाली जगह पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम ये जो हमारा ये वी शेप का कट है, इस शेप में हम इस तरह से इस कपड़े को लगा लेंगे, ठीक है। और फिर इसको इस तरह सीधा करेंगे दोनों तरफ से ऐसे। यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा कॉर्नर बनाते हुए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये लेस को लगा लिया और यहाँ पर एक हमने प्लेट्स बना लेनी है और फिर इस तरह से सिलाई लगानी है। और अब हम इसको पलट कर इस तरह से सीधा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेस लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से लेस को लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने सेम दूसरी तरफ लगा रखी है। और साइडों से हम ये कपड़े की कटिंग कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ अंदर की तरफ भी एक लेस लगा सकते हैं। तो देखिए, चलिए मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक तरफ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, सॉरी लेस लगाई है, दूसरी साइड नहीं लगाई, क्योंकि जब हम इसको दुपट्टे को फोल्ड करेंगे तो यहाँ से ये लेस गले की ओर चुभेगी, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से बना लिया है। तो इस तरह से हमारा दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम पैंट बनाना स्टार्ट करते हैं। पैंट बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है। तो ये देखिए, ये 6 इंच इसकी लंबाई है और 6 ही इंच इसकी चौड़ाई है। तो हमें 2 इस तरह से पीस कट कर लेने हैं 6x6 के, और साथ में लाइनिंग का पीस भी कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसको इस तरह से उल्टा रख लेंगे इसके ऊपर, ठीक है।
और फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया, बराबर फोल्ड कर लें, ठीक है। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद अब हम इसका निशान लगाएंगे। तो नीचे सबसे पहले हमने पोंछे का निशान लगाना है। यहाँ पर हम ये देखिए 2.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक। और इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से ऊपर तक, ये देखिए यहाँ तक ऐसे रेब में निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए रेब में निशान लग गया हमारा। तो इस तरह से ये हमारे पोंछे की यहाँ से शेप कर हो गया। अब हमने सेंटर में लगाना है निशान। तो सेंटर में हमने क्या करना है, ये देखिए ऊपर से यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है, इस तरह से। ये वाला गैप हमारा 2 इंच का आएगा और फिर नीचे से हम यहाँ पर 2 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। और अब ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर को आपस में इस तरह से मिला, ठीक है। ऐसे ही हमने सेम, ये देखिए खोल लेते हैं इसको, जैसे हमने ये निशान लगाया है वैसे ही देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए 4.25 इंच हमने पोंछा रखा था इस तरह से, और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया है सेम ऐसे ही यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर लगाया है, ये देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच पे गैप दिया है बी सेंटर का, और ये हमारा 2 इंच हो जाएगा ना फिर पक्की। यहाँ पर 2 इंच, यहाँ से 2 इंच का यहाँ पर निशान आ जाएगा, और फिर यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। अब सबसे पहले हमने जो ये निशान लगाया है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और फिर हम कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने पर आपको निशान लगाना बताया है वैसे ही हमने सिलाई बनानी लगानी है। सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है और इधर से ऐसे लगानी है, फिर वी शेप में जाना है, फिर इस तरफ से आ जाना है, ठीक है। इस तरह से हम लगाने के बाद ये साइडों की कटिंग कर लेंगे और जो हमारी ये वी शेप है उसे भी कट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे कट करके आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा करके ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा, और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेस को लगा लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अगर आप मैरून कपड़ा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऐसे ही लगाऊंगी क्योंकि जो हम ऊपर कमर काश नहीं बनाएंगे उस पर लगाएंगे कपड़ा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट्स पे हमने सिलाई लगा ली है, ठीक है। और अब हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे वी शेप में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये इस तरह से वी शेप में सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमारी पैंट कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, ये देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर कमर लूज़ लगती है तो आप यहाँ पर एक प्लेट लिपी डाल सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर सही लग रही है क्योंकि वेलग्रो भी लगाएंगे तो फिर ये हमारी कमर इतनी सी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको वेलग्रो लगाना बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ पर वेलग्रो लगाएंगे। तो यहाँ पर एक लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर, 3 वेलग्रो को हम इस साइड लगाएंगे और इस साइड लगाएंगे। ये भी जो हमारी साइड है यहाँ पर मैं रफ साइड लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी रफ लगाऊंगी और यहाँ पर भी रफ लगाऊंगी। तो चलिए मैं लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अब हमने वेलग्रो लगा ली है। ये देखिए इस साइड को हमने यहाँ पर दोनों तरफ सॉफ्ट साइड लगाई है, और यहाँ पर ये देखिए इस तरफ हमने अंदर की ओर लगाई है और इस तरफ हमने बाहर की ओर लगाई है दोनों तरफ से, ये देखिए, ठीक है। और अब हम इसको ये देखिए इस तरह से बंद करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसको भी हम इस तरह से ही बंद कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी,
ठीक है। अब ऊपर से हमने इसकी कमरकाशनी बनानी है, तो चलिए फटाफट कमरकाशनी भी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कमरकाशनी के लिए मैंने यहाँ पर जो पीस कट किया है 12 इंच इस तरह से जो लंबा ले लेना है, और 3 इंच इस तरह से मैंने वाइट वाला 3 इंच ले लिया है। और उसके ऊपर हमने यहाँ पर जैसे राधा रानी का लहंगा बनाया था वैसे ही सेम कर लिया है। तो इस तरह से ये अब हमारी कमरकाशनी हो जाती है 4 इंच की, बट हमें इसमें 1 इंच कम करना पड़ेगा। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कितनी हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर इसी तरह से ये लेस को भी लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लेट्स बना लेंगे जैसा हमने लहंगा बनाया था, सेम वैसे ही हमने इसमें करना है। साइडों में टिश्यू लेस लगानी है और ऊपर से प्लेट्स लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस पर प्लेट्स भी बना ली हैं, और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर ये देखिए 3 इंच रखी है, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पर हम मैरून कलर की पट्टी लगाएंगे, क्योंकि जब हम कमरकाशनी के ऊपर इस तरह से बांधेंगे तो ये मैरून कलर की पट्टी बहुत प्यारी लगेगी। तो चलिए पट्टी लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फुल ड्रेस की फाइनल लुक है। ये हमारी कमरकाशनी होगी, ये पैंट होगी, और ये चोली। चोली मैंने आपको राधा रानी की ड्रेस में बनाना बताया है, तो आप वहाँ जाकर इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे कृष्णा।